हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग गुरुजी। मैं दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज है डे 10 और आज संडे, और आज का वर्कआउट मैं शुरू करने वाला हूं। तो एज़ यूजल हमेशा की तरह आज भी 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करूंगा और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट करूँगा। और ख़ास बात यह है कि आज आखिरी दिन है, 10वां दिन है। तो आज ये पूरा डे ख़त्म होने के बाद मैं कल सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को अपना वेट बताऊंगा कि कितना वेट लूज़ किया है। तो करते हैं शुरू आज का दिन। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। Broken alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. फ्रेंड्स, वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं आ चुका हूँ घर और अभी मैं ले रहा हूँ नींबू पानी। तो दिन की शुरुआत करते हैं नींबू पानी के साथ। फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ले रहा हूँ 2 डाइजेस्टिव बिस्किट और गाजर। तो गाइज, अभी है लंच टाइम और लंच में मैं ले रहा हूँ राइस और बॉइल्ड सब्जी विद चिकन। फ्रेंड्स, अभी मैं ले रहा हूँ खीरा और ये खाने के बाद मैं जाऊँगा वर्कआउट में। फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ इवनिंग वर्कआउट के लिए और अभी मैं 5 किलोमीटर वॉकिंग करूँगा और उसके बाद बाकी एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगा। तो ये रहेगा मेरा अभी इवनिंग का वर्कआउट प्लान। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत दिन हो गया हम लोग बाहर नहीं गए और काफ़ी दिनों के बाद अभी बाहर निकल रहे हैं। तो आज थोड़ा हम लोग हवा खाने के लिए निकले हैं शाम को। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और कभी कभी थोड़ा फ्रेश हवा भी खा लेना चाहिए। घर में बैठे बैठे बोरिंग हो जाते हैं और मेरी वाइफ स्कूटी चलाते हुए
अगड़ी किन बोल रही है कि उसे मत दिखाओ, YouTube में नहीं आना चाहती। हाँ अच्छा, मैं आप लोगों ही दिखाता हूँ। PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है वो यहीं पर है, ये इसका मेन गेट है। ये है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का गेट। तो अभी हम लोग यहाँ से राइट जाएंगे। रास्ता बहुत ही सुहाना और शाम के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉकिंग में भी आते हैं और यहाँ का नज़ारा ही मज़ा ही कुछ और होता है। हवा चलता है क्योंकि खुला जगह होने के कारण से यहाँ पर बहुत हवा चलता है, मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है। आह हा हा, आगे गांव है, ये पूरा इधर का नज़ारा है, पूरा हरा भरा देख लीजिए, इधर पूरा खेती खेत है। तो फ्रेंड्स ये है शाम का मजा, बहुत दिनों से हम लोग मिस कर रहे थे ये वाला हवा, ये ताजगी, ये सादगी बहुत मिस कर रहे थे और काफी दिनों बाद निकले हैं हम दोनों। और एक यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आपका तालाब था, जहाँ पर मैं पहले स्विमिंग करने भी आया था। थोड़ा रोकते हैं यहाँ पर, थोड़ा रोक के यहाँ पर मज़ा लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग एक जा रहे हैं तालाब को देखने, क्योंकि वो पहले तालाब में जब गए थे तो काफ़ी भरा हुआ था, तो अभी जाकर देखेंगे कि वो तालाब सूख गया है या भरा हुआ अभी भी, मतलब पानी का लेवल कितना है, क्योंकि अभी बरसात आने वाला है। तो फिर वहाँ पर जाएंगे और फिर वहाँ पर स्विमिंग करेंगे, मज़ा आएगा। तो अभी का नज़ारा ये है, देख लीजिए मेरे चारों तरफ 360 डिग्री एंगल, ये चारों तरफ खेती खेत है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं फ्रेंड्स। यही वाला जो तालाब था, यही पहले बरसात में तालाब हो जाता है लेकिन अभी पूरा सूख चुका है, तो यही देखने हम लोग आए थे कि कितना सूखा है, पूरा सूख गया है। अभी सिर्फ थोड़ा जो गहरा है उसी जगह पर पानी रह गया है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जगह तक पानी लेवल रहता था, उसके बाद पूरा गहरा यहाँ से पूरा पानी भरा हुआ रहता था। तो अभी बरसात का टाइम आ रहा है तो फिर आप लोगों को लेकर आऊँगा, तब यहाँ पर आप लोग देखिए कि पूरा पानी से ऐसा लगेगा कि मतलब समुद्र में आ गए हम लोग। तो ये पूरा इसका चारों तरफ मेरे पीछे जो भी एरिया ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता था। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं वापस घर और अभी देखिए मेरे पीछे सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबते हुए बिल्कुल सुंदर नज़ारा, सूरज जा रहा है वापस और कमल भी जा रहा है वापस। तो चलिए चलते हैं वापस घर, सूरज भी डूब चुका है और हमें भी घर जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स डिनर में मैं लेने जा रहा हूँ, ये दूध में बना हुआ आटे का है, तो इसे हमारे नेपाली भाषा में कौड़ी कहते हैं, तो ये दूध कौड़ी है। तो आज डिनर में मैं यही ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज का दिन यही समाप्त होता है और 10 दिन का वेट लूज चैलेंज भी यही समाप्त होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह, और कल सुबह इन 10 दिनों में मैंने कितना वेट लूज़ किया है उसका पता करेंगे, वेट मेज़र करेंगे, क्योंकि वेट मेज़र करने के लिए एकदम सुबह को वेट मेज़र करना होता है, खाली पेट बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, तो उस टाइम में जो आपका वेट रहेगा वो एक्चुअल वेट रहेगा। तो इसी वजह से मैं कल सुबह आप लोगों के साथ वेट जो मेरा है मेज़र करूँगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड गुड नाइट।